बिल्कुल स्टार्ट से एक दफा क्विक रिवीजन कर ले कि आई सेड कि ऑर्गेनिक, ठीक है, जस्ट इस ठीक है, ठीक है, प्रेजेंटली लिख रहा हूँ. अच्छा, आई सेड कि इट्स द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह, फॉसिल फ्यूल्स, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ दैट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है? आई टोल्ड यू के कार्बन जो है वो फोर बॉन्ड्स बनाता है, इट नीड्स फोर इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए इट्स अ वेरी गुड बिल्डिंग ब्लॉक to make complicated structures because carbon can sort of bond in four different directions. Baki jo atoms hote hain they don't make a lot of bonds. Theek hai, to usse itne bade itne complicated structures bana nahi sakte aap. To rules maine likhe the covalent bonding ke. Kya I said ke when you're making covalent bonds, sharing hoti hai, non-metals hote hain involved. Group 7 has 7 electrons in its outer shell, to wo sirf ek bond banata hai. Group 6 has 6 electrons in its outer shell, to wo do bonds banata hai, and so group 5 jo hai wo has 5 electrons in its outer shell, needs 3 electrons, to wo 3 bonds banata hai. Jaisa yahan pe nitrogen jo hai na, usne uske paas blue mein na ye 5 electrons the, to usne na ye hydrogen ke 1 electron, it started pulling those electrons, unko apne saath attach kar liya. And group 4, finally the last one, carbon jo hai, कार्बन जो है इट मेक्स फोर बॉन्ड्स बिकॉज इट नीड्स फोर इलेक्ट्रॉन्स. फोर इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पहले से होते हैं एंड इट नीड्स फोर मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो फोर इलेक्ट्रॉन्स पुल करके अपने साथ अटैच कर लेता है. ठीक है, अभी जो मैंने एग्जाम्पल्स दी थी वो सिर्फ और सिर्फ इसके दिए थे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में. तो ये मैंने रूल्स लिख लिए थे कि ग्रुप फोर कितने बॉन्ड्स बनाता है, फाइव कितने बनाता है, सिक्स कितने बनाता है और सेवन कितने बनाता है. ठीक है, इज दिस क्लियर? यमुना क्लियर है? Shayan, is this clear? जी सर. चलो ठीक है, बाकी अगर कोई भी इशू हो रिप्लाई करने में तो चैट के अंदर भी आप लिख सकते हो. ठीक है, यू कैन राइट इट इन द राइट जो भी रिप्लाई करना है रिप्लाई जरूर कर दिया करो. ठीक है, नॉट क्लियर, यस यस नो करके. ठीक है, शयान आपका कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे. इज दिस क्लियर? जी सर क्लियर है. अच्छा ठीक है. अच्छा मूविंग ऑन, कोवलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चर्स, कि यू हैव टू नो हाउ टू मेक करेक्ट स्ट्रक्चर्स. तो हमने पढ़ा था कि इस टेबल से ना वी कैन फिगर आउट कि कौन कितने बॉन्ड्स बनाता है. ग्रुप फोर कितने बनाता है, फाइव कितने बनाता है, सिक्स कितने बनाता है और सेवन कितने बनाता है. ठीक है, सो दिस टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू, पीरियोडिक टेबल है बेसिकली, उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है. सो वी गोइंग टू लर्न एंड प्रैक्टिस हाउ टू मेक covalent bonds of different molecules. Isko thoda sa, just one second, let me draw ek side pe column draw kar lo. Acha, so we are going to practice more questions now related to covalent bonding and drawing the correct structures. So I have a molecule which is given as ke the molecule is H. theek hai, uske andar there is hydrogen, C hai, aur there is F and there is O. theek hai, this is the molecule that's given and you're being asked ke iska na wo draw karo dot and cross diagram or make the structure of this molecule. How would you do that? To और रिमेंबर के लिमिटेशन ये है कि देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन, देयर इज ओनली वन कार्बन, देयर इज ओनली वन फ्लोरीन एंड देयर इज वन ऑक्सीजन. तो सबसे पहला काम ये करोगे कि पहले आप फिगर आउट करोगे कि विच एटम मेक्स हाउ मेनी बॉन्ड्स. हाइड्रोजन जो है ये मैंने अलग से एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोजन, रिमेंबर हाइड्रोजन ऑलवेज मेक्स वन बॉन्ड, इट ओनली हैज वन इलेक्ट्रॉन, तो वो एक ही शेयर करेगा, दैट्स इट. कार्बन पे आ जाओ, हाउ मेनी बॉन्ड्स डज कार्बन मेक? कार्बन इज इन ग्रुप फोर, तो टेबल देखो. ठीक है, जो ऊपर बना हुआ है, if you get a table, yeah, as if you look at this table, carbon is in group 4. theek hai, carbon is over here, so carbon makes four bonds. Baakiyon ko bhi dekh lo ke fluorine jo hai group 7 mein, that makes one bond. Aur kya tha, oxygen group 6 mein, it makes two bonds. To hum pehle na ek puzzle ki tarah na isko pehle sort out karenge ke based on the information that's given in the table, carbon is supposed to make four bonds. You have fluorine which is in group 7, so group 7 makes one bond.
And then you have oxygen, which is in group 6. And group 6 ko 2 electrons chahiye hote hain, so it makes 2 bonds. Theek hai? 6 electrons uske paas hote hain. So it needs 2 electrons. So humne ye figure out kiya ki humne we figure out ki kisne kitne bonds banane hain. Acha, just as a starting point, hamesha pick kya karo us atom ko jo sabse zyada bonds bana raha hai. So I'm going to pick carbon. I need to figure out ki ye aapas mein kis tarah connected hai. To jo sabse zyada bonds bana raha hai na, usko beech pe rakho. So here's your carbon. Carbon ko kitne bonds banane hain? 4. To pehle to main usko hydrogen ke sath jodta hu. Hydrogen ne kitne bond banane hain? Hydrogen is only supposed to make one bond. So what I'm going to do is I'm going to pick hydrogen. Theek hai, I'm going to bring in hydrogen aur uske sath na ek bond bana deta hu. Hydrogen ka kaam to khatam ho gaya. Theek hai, hydrogen is done. It was supposed to make one bond and it is making one bond. Theek hai, so that's fine. Carbon ka bhi masla hai. Carbon mein, how many bonds is carbon supposed to make? It's supposed to make 4 bonds. So abhi it needs more atoms taki ye to aur bonds nahi banayega. Carbon needs more atoms taki it can make more bonds. So let's pick this other one. Carbon ke sath, what is the other substance that is present? Fluorine. Fluorine kitne bonds banata hai? It also makes one bond. So let's attach fluorine to it. So I'm going to take fluorine. Fluorine is supposed to make just one bond. So that is done as well. So hydrogen made one bond. Fluorine made one bond and they were done. Theek hai? Isse zyada wo bonds nahi banate. So we're done with hydrogen, we're done with fluorine. Carbon ke abhi bhi masla hai. Carbon is supposed to make 4 bonds. Abhi usne 2 bonds banaye hain. So I'm going to pick oxygen now. Oxygen kitne bonds banata hai? Oxygen 2 bonds banata hai. So I'm only left with oxygen. Aur oxygen kitne bonds banata hai? 2. So what I'm going to do is ke carbon ke jo baki 2 bonds hai na, wo oxygen ke saath bana lo. Because oxygen ne banane hi 2 bonds the. It was supposed to make 2 bonds. So isko upar kar lete hain. It was supposed to make 2 bonds. So yahan pe na, if oxygen ends up making 2 bonds with carbon, so oxygen would be done as well. And in this way, carbon ki bhi bonding complete ho jayegi. Now if you look carefully, carbon is making 4 bonds. Ek idhar kiya bond, ek usne idhar bond kiya, and 2 bonds are made with oxygen. Aur saron ke bonds na complete hain. Kisi ka ek bhi bond na kam nahi hai, na zyada hai. Isne ek banana tha, isne bhi ek banana tha. Dono ne ek ek banaya. Isne 2 banane the, to isne bhi 2 banaye. Aur isne kitne banane the? 4 banane the. Theek hai, iske upar likh bhi dete hain. This was supposed to make 4 bonds. So now this entire structure is structurally correct. Theek hai? To ye puzzle ki tarah na we have solved it. Aur mai bhai ye clear hai? Yumna clear hai? Saiba? Yes, sir. Acha, now theek hai, one second. Acha, now based on this, isko dekh ke na, we can now draw the dot and cross diagram. Direct circles pe jaane ki zarurat nahi hai kyunki things can get confusing. Beech mein kya pada hua hai? Carbon pada hua hai. So beech mein carbon le ho. Sideon mein kya pada hua hai? Ek side pe there is fluorine. So let's say this is fluorine. Ek side pe there is hydrogen. So this one is hydrogen. And bottom ke upar there is oxygen. Theek hai, so you have saron ko likh lete hain. So you have carbon in the middle. So main exact ye structure follow karunga. Fluorine on the right side, hydrogen on the left side, and there is oxygen at the bottom. Inki bonding kar lo ke they would start sharing electrons. Ye idhar se share kar raha hoga, this one would share electrons from this side. Ye niche se bottom se electrons share kar raha hoga. Acha, fir kitne electrons share kar rahe honge? This is a single bond. So iska matlab hai ki wo ek ek electron share kar rahe honge. So there's going to be carbon sharing one electron with fluorine. Fluorine would also be sharing one electron. So that's ye single dash ka ye matlab hai. One covalent bond. Either carbon jo hai na wo hydrogen ke saath bhi, it's making a single bond. To ek electron share kiya aur ek electron hydrogen ne share kiya, theek hai, single bond. Carbon idhar bottom pe oxygen ke saath kya kar raha hai? Double bond. Double bond ka matlab hai do do electron share kar rahe hain dono. So there is carbon sharing 2 electrons and there is oxygen sharing 2 electrons as well. Oxygen ke jo electrons ka symbol hai na wo main shaded circle use kar raha hu kyunki ek teesra symbol chahiye tha. So I'm using shaded electrons.
तो ये मेरे कोवलेंट बॉन्ड्स क्लियर हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड. एंड द अदर थिंग इज कि मैंने कहा था कि जब भी आप डॉटिंग क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करो तो जो रिमेनिंग बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है ना, लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉन्स, दे मस्ट बी ड्रॉन एज वेल. तो पहले तो कार्बन पे आ जाते हैं. कार्बन ग्रुप फोर में इट हैज अ टोटल ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स. ऑल ऑफ देम गॉट यूज्ड अप. एक ने इधर बॉन्ड किया, दो ने नीचे बॉन्ड किया, एक ने इधर बॉन्ड किया, तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स, नथिंग इज लेफ्ट, ऑल ऑफ देम आर यूज्ड अप. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? हाइड्रोजन हैड अ टोटल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो वो वन इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर दिया. सो हाइड्रोजन इज एम्प्टी एज वेल, नथिंग लेफ्ट. फ्लोरीन पे आ जाओ. फ्लोरीन ग्रुप सेवन में, ग्रुप सेवन का मतलब है कि इट हैज अ टोटल ऑफ सेवन इलेक्ट्रॉन्स. तो आउटर शेल में ना उसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं. शेयर उसने कितने किए हैं? इट ओनली शेयर्ड वन इलेक्ट्रॉन. तो सेवन में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया है. बाकी कितने बचे उसके पास? बाकी उसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल देयर. ठीक है, लेट्स से ये पिंक वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इसके हैं, क्लोरीन के. सो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल देयर. इसको भी बल्कि क्रॉस की बजाय, तो सेवन में से ना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिक्स आर रिमेनिंग. अच्छा, फिर लास्ट ऑक्सीजन पे आ जाओ. ऑक्सीजन इज इन ग्रुप सिक्स. ग्रुप सिक्स का मतलब है इट हैज अ टोटल ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल. शेयर कितने किए उसने? यहाँ पे शेयर उसने किए दो इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर सिक्स में से दो इलेक्ट्रॉन्स उसने इधर शेयर कर दिए, सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? यू आर लेफ्ट विद फोर इलेक्ट्रॉन्स. तो रिमेंबर टू ड्रॉ दीज फोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्सीजन. ठीक है, सो रिमेंबर दैट यू हैव टू ड्रॉ द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. सो दिस इज योर कंप्लीट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम नाउ फॉर दिस मॉलिक्यूल. सही है, इज दिस क्लियर एवरीवन? शियान क्लियर है? बाकी भी ठीक है. चलो लेकिन वील प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस. ठीक है, कभी यही करना है. जस्ट रिमेंबर हाउ टू मेक दिस. ये जो पार्ट है ना, ये ट्रिकी है. अच्छा, नाउ यू कैन कम अप विद मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज. अब हम थोड़ा सा ना थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे. ठीक है, अच्छा, वी नॉट रियली फोकस. रिमेंबर, वी नॉट रियली फोकस ऑन द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स. मैं एक्चुअली ना इस फॉर्मूले में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे ना, वील बी फोकसिंग ऑन दिस. तो what I'm going to now start doing is, I'm going to draw incorrect structural formulas. Unko na hum, we're going to try and correct them. So let's draw a random, let's say random sticks na aapas mein attached hai, theek hai? A random molecule, either oxygen attached hai, yahan pe, let's say there is hydrogen, there is fluorine, then there is fluorine, and then there is something else, let's say oxygen. Here there is H and H and... Okay, so I've drawn a completely wrong, okay, this is completely wrong. Okay, I've drawn a completely incorrect structure. And... और ये सारे आपस में कनेक्टेड है, बॉन्ड्स बना रहे हैं. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू, फर्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू फाइंड कि इसके अंदर व्हाट, क्या क्या चीजें इनकरेक्ट है. ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू ट्राई एंड करेक्ट इट. अभी लेट्स से आई हैव फुल फ्रीडम कि जिस तरह मर्जी इसको मैंने करेक्ट करना है वो मैं कर लूँ. एटम हटाना पड़े हटा दो, कोई बॉन्ड्स कम करने पड़े कम कर दो, ज्यादा करने पड़े ज्यादा कर दो. सो अभी ना यू हैव फुल फ्रीडम, जो मर्जी करना है इसके साथ करो, लेकिन इसको सही होना चाहिए. ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए. राइट नाउ इट्स इनकरेक्ट. अच्छा, फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू लुक एट द कार्बन एटम्स. ठीक है, कार्बन पे फोकस करते हैं. कार्बन किस पे था? ग्रुप फोर में था. ग्रुप फोर कितने बॉन्ड बनाते हैं? फोर. ठीक है, ग्रुप फोर इज सपोज टू मेक फोर बॉन्ड्स. तो कोई मुझे ये आंसर करे कि ताइबा, कैन यू आंसर दिस, कि ये वाला कार्बन, इस कार्बन के ऊपर ना, इसको थोड़ा ऊपर कर ले, नजर आ जाए सही. अच्छा, फोकस ऑन दिस कार्बन एटम. ताइबा, टाइप करके भी आंसर कर सकते हो. हाउ मेनी बॉन्ड्स इज दिस मेकिंग? नहीं, इट्स सपोज टू मेक फोर बॉन्ड्स, लेकिन इसके काउंट करो ना. यूना कितने होंगे?
मतलब एक बॉन्ड में उसके एक बॉन्ड हाइड्रोजन से होगा तो अच्छा एक बॉन्ड इधर है जी दो एक, इधर है एक इधर है एक इधर है दो है तो टोटल कितने बॉन्ड्स हुए फाइव तो मैंने ये जो स्ट्रक्चर हाँ ठीक है फाइव है तो इसका असेसोलेशन माइक ऑफ कर लो अब बेशक वो शोर आ रहा है अच्छा सो अब एक मसला हो गया कि ये तो इसका मतलब स्ट्रक्चर गलत है क्योंकि कार्बन इज सपोज टू मेक वो जो रूल था वो जो ऊपर टेबल बना हुआ है उसके अंदर कार्बन इज सपोज टू मेक फोर बॉन्ड्स तो ये वाला जो कार्बन जिसके ऊपर आई हैव ड्रॉन अ स्टार दिस इज रॉन्ग ठीक है इट्स नॉट सपोज टू मेक फाइव बॉन्ड्स तो एक काम ये करो कि इसको तो हटा दो वो डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड कर लो अब ये क्लियर है ठीक है अब ये सही हो गया अब ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है चार उमेमा ये क्लियर है ये वाला पार्ट क्लियर है अच्छा तो हम अभी ना स्ट्रक्चर ठीक करें अच्छा उमेमा ये अगले का भी बता दो ये वाला कार्बन ठीक है जिसको मैं ब्लू में ड्रॉ कर लेता हूँ ये वाला ठीक होगा कितने बॉन्ड्स बना रहे एक ऊपर बना रहा है एक इस साइड पे बना रहा है तो चार पॉइंट्स बना रहा है तो ये तो चार पॉइंट्स बना रहा है तो ये वाला कार्बन तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और मैं आप ही आंसर कर लो ये उससे अगला वाला कार्बन सर वो एक दो तीन तीन बॉन्ड बना रहे चार ये देखो एक इधर बना रहा है एक इधर बना रहा है और दो नीचे तो चार ठीक है तो इसका मतलब है कि ये वाला कार्बन भी स्ट्रक्चर वाइज ठीक था ये भी ठीक था बॉन्डिंग वाइज ये भी ठीक था ठीक है तो ये अभी मैंने सिर्फ कार्बन के ऊपर फोकस किया है ठीक है तो तीनों कार्बन जो है वो एक मसला था यहाँ पे बॉन्ड ज्यादा थे तो मैंने कम कर दिए ठीक है तो राइट नाउ द स्ट्रक्चर लुक्स फाइन मतलब कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से द स्ट्रक्चर लुक्स परफेक्टली फाइन अब जरा आ जाते हैं कि और कौन सा एटम है इसमें फ्लोरीन के ऊपर आ जाते हैं अच्छा फ्लोरीन किस ग्रुप में है सेवन में ग्रुप सेवन जो होता है वो उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है आठ पूरे करने होते हैं ना तो इट मेक्स वन बॉन्ड तो फ्लोरीन एक ही जगह पे है ये फ्लोरीन भाई टू बॉन्ड्स बना रहा है तो गलत हो गया इसको तो एक बॉन्ड बनाना चाहिए था तो इसका मतलब है कि मैं अब मेरी मर्जी है मैं इसके साथ जो मर्जी करूँ बस इसको सही होना चाहिए तो मैं इधर से ना ये हटा ही देता हूँ ठीक है इसको साइड पे कर देते हैं अब ठीक है ना फ्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है तो उमेमा क्लियर है जी सर चलो ठीक है फ्लोरीन भी क्लियर हो गया ऑक्सीजन पे आ जाते हैं ऑक्सीजन जो था ना वो ग्रुप सिक्स में था तो ग्रुप सिक्स को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए आठ पूरे करने के लिए तो इट नीड्स टू इलेक्ट्रॉन्स तो दो बॉन्ड्स बनाएगा सो लुक एट ऑक्सीजन कोई शायद आप बता दो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं यहाँ पे श्यान दो नहीं काउंट करो ना दो तो वो ऊपर बना रहा है ऑक्सीजन दो यहाँ पे बना रहा है ऊपर टॉप पे और एक अच्छा। वो नीचे भी और एक वो नीचे भी बना रहा है ना सो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए इसके थ्री हो गए ठीक है दो से ऊपर बना है और एक बना है तो टोटल बॉन्ड्स जो है दे कमिंग आउट टू बी थ्री जो कि गलत है कि ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड्स बनाने चाहिए रूल किया था कि ऑक्सीजन को दो बॉन्ड तो इसका मतलब है ये नीचे वाले तोड़ के साइड पे कर दो इनकी कोई जरूरत नहीं थी ठीक है तो अब वो करेक्शन होगी इसके दो बॉन्ड्स पूरे हो गए ठीक है अच्छा तो हमने ऑक्सीजन का भी कर लिया आखिरी चीज रहेगी हाइड्रोजन के एटम कि क्या हाइड्रोजन के एटम सही नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहे हैं कि नहीं हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो सारे हाइड्रोजन देखो ये हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड बना रहा है ठीक है वो जो ऊपर बना रहा है ये वाला हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है ये वाला हाइड्रोजन भी एक ही बॉन्ड बना रहा है ठीक है ये वाला हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बना रहा है और ये वाला हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब है कि अब जो है ना मेरा स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्टली करेक्ट है सारे एटम्स राइट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहे हैं कोई भी एटम ना ज्यादा बॉन्ड्स बना रहा है ना कम बना रहा है ठीक है अगर कार्बन पांच बॉन्ड्स बना रहा होता तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर गलत बनाया
अगर फ्लोरीन एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा हो ना किसी स्ट्रक्चर में, तो इसका मतलब है वो स्ट्रक्चर गलत है. इसी तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर भी यही बात अप्लाई होती है. तो ये क्लियर है. हम इस पहले हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि गलत स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ करूंगा एंड यू हैव टू फिगर आउट कि करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, करेक्ट बॉन्डिंग क्या होगी. ठीक है, इसके अंदर टाइप कर लो बेशक. ये क्लियर है सारों को दानी? इज दिस क्लियर? यस. ठीक है, तो यमुना क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट एक और इसी तरह ना, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ कंप्लीटली रैंडम मॉलिक्यूल. ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ कंप्लीटली रैंडम मॉलिक्यूल एंड वी गोइंग टू ट्राई एंड फिगर आउट के वेदर वी हैव ड्रॉन द करेक्ट स्ट्रक्चर और एन इनकरेक्ट स्ट्रक्चर. सो लेट्स से देयर इज कार्बन, देन देयर इज नाइट्रोजन एंड देन देयर इज कोई ऑक्सीजन है और फिर फ्लोरीन अटैच्ड है, फिर यहाँ पे अनदर, देन देयर इज ट्रिपल बॉन्ड एन एंड लेट्स से एफ एंड देयर इज ओ एंड बस मैं अपनी तरफ से ना रैंडमली लगाई जा रहा हूँ चीजें. ठीक है, गलत ड्रॉ कर रहा हूँ. अच्छा, यहाँ पे भी कोई एक आध एच ऐड कर देते हैं एंड सम हाइड्रोजन्स ओवर हियर एज वेल. ठीक है, तो इसको अब देखते हैं कि हाउ वुड बी. अच्छा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है ना उसके अंदर आई विल गिव यू क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्लास जो होगी वो फिर लाइव नहीं होगी, उसके अंदर असाइनमेंट होगी. यू हैव टू डू दैट असाइनमेंट विच वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज दिस. सो फिर से दोबारा से स्टार्ट करते हैं. पहले सारे कार्बन एटम्स को देखते हैं. मुझे क्विकली बता दो कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? चार अकॉर्डिंग टू द टेबल. Yes or no? ये सही है कि गलत है? ये वाला कार्बन एटम बॉन्डिंग सही है कि गलत है? Anyone? सर सही है. ठीक है, चार बॉन्ड्स बना रहे, एक ऊपर बनाया, एक इस, एक नीचे, एक उस साइड पे. ठीक है, सो इट्स मेकिंग फोर बॉन्ड्स. ये अगला वाला ये भी सही है. नहीं, ये इसमें फाइव बन रहे हैं. हाँ ठीक है, ये गलत है क्योंकि एक बॉन्ड वो अगर मैं ग्रीन में मार्क करूं, एक बॉन्ड ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है और दो नीचे है. तो उसको एक कर दो, अब ठीक हो जाएगा. ठीक है, अच्छा मैं अभी आपकी मर्जी है, जो मर्जी करना है करो, बस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए. इस अगले वाले कार्बन, यमुना के अलावा कोई बता दे कि इस अगले वाले कार्बन, ये जो मैंने पिंक में मार्क किया, ये ठीक है गलत है? नहीं, ये बताओ कि टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं? एक दो, हाँ फाइव बना रहे हैं. तो मैं, मेरे ख्याल से ना फाइव बॉन्ड्स है ना, तो फोर होने चाहिए. तो ये हटा देते हैं, तोड़ के इसको साइड पे करो. ठीक है, इट्स योर चॉइस, इसको हमने साइड पे कर दिया. ठीक है, अब ठीक है, मतलब ये वाला भी ठीक था, अब ये वाला भी ठीक है. तो इसका मतलब है कार्बन जो है ना, दे आर फाइन. मतलब ऑल द कार्बन एटम स्ट्रक्चरली दे आर फाइन. अगले पे आ जाते हैं कि नेक्स्ट एटम इस स्ट्रक्चर में, उसको जरा चेक कर लेते हैं. ऑक्सीजन इज गोइंग टू फॉर्म टू बॉन्ड्स ग्रुप सिक्स में, तो ये ऑक्सीजन पड़ा हुआ है. तो बता दो कि क्या मसला है इसके साथ? हाँ ठीक है, थ्री बॉन्ड्स बना रहा है, इसको तो टू बनाने चाहिए थे. तो ये जो ऊपर एक बॉन्ड बन रहा है ना, इसको तोड़ के साइड पे करो. ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी. ठीक है, सो पुट दैट असाइड. चलो ऑक्सीजन भी सही हो गया, अब ऑक्सीजन के साथ कोई मसला नहीं है. नाइट्रोजन पे आ जाते हैं. लेट्स सी व्हाट्स रॉन्ग नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज इन ग्रुप फाइव. ग्रुप फाइव का मतलब है तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए आठ पूरे करने के लिए, तो तीन बॉन्ड्स बनाएगा. ठीक है, सो इट नीड्स थ्री बॉन्ड्स. इसका क्या करें? इस नाइट्रोजन का कितने बॉन्ड्स बना रहे? नहीं, ये नाइट्रोजन, ये वाला वन. ठीक है, इट्स ओनली मेकिंग वन बॉन्ड. तो इसको बनाने कितने चाहिए? तीन बॉन्ड्स बनाने चाहिए. तो मैं अपनी तरफ से ना इसके दो और बॉन्ड्स बना देता हूँ और
हाइड्रोजन के साथ लेड से बना देते हैं, मेरी मर्जी है, ठीक है, मैं हाइड्रोजन को उठा के इसको थोड़ा साइड पे कर ले। लेट्स से मैंने हाइड्रोजन उठा के ना जोड़ दिए दो, तो अब ये नाइट्रोजन ठीक है, इट्स मेकिंग थ्री बॉन्ड्स, ठीक है, तो मैंने स्ट्रक्चर इसका ठीक कर दिया। फिर एक इशू प्रॉब्ली इस नाइट्रोजन का भी है कि अगर इस नाइट्रोजन को देखो ना, तो इस नाइट्रोजन का ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो तीन नहीं है, एक वो इधर बना रहा है एंड थ्री बॉन्ड्स आर बीइंग मेड ओवर हियर। तो अब आपकी मर्जी है इसके बॉन्ड्स कम करने हैं, तो आसान काम है कि गेट रिड ऑफ दिस फ्लोरीन, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, उसके तीन बॉन्ड्स वैसे ही पूरे थे। कैसे गेट रिड करते हैं? क्या क्वेश्चन है सर? मतलब उसको खत्म कैसे कर सकते हैं जैसे आप अभी कह रहे थे? अच्छा वो नहीं, अभी मैं कह रहा हूं कि मैंने तो शुरू में जो ड्रॉ किया था ना वो कंप्लीटली शियान, मैंने कंप्लीटली एक रैंडम स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। अच्छा। तो वो था ही गलत ना, वो बना ही गलत था। तो अब मैंने अभी कहा है कि मतलब रियल वर्ल्ड में तो ऑब्वियसली इस तरह खत्म नहीं कर सकते, अभी मैं कह रहा हूँ कि आपने ना बस उस मॉलिक्यूल जो भी गलत स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया है ना, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी उसके साथ करो, बस एज लॉन्ग एज वो स्ट्रक्चर ठीक हो जाए। सियान समझ आइए बात, क्लियर है? जी सर सही है। ठीक है, तो मैं खुद स्टार्ट से ही ना वो स्ट्रक्चर ही मैं गलत ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो उसको हम सही कर रहे हैं। तो अभी अभी आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, उस मॉलिक्यूल के साथ जो मर्जी करो। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते थे, एक और काम कर सकते थे कि क्योंकि अभी तो मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाई हुई, जो जो दिल आता है वो इसके साथ करो, बस एंड रिजल्ट हो कि स्ट्रक्चर ठीक हो। एक और काम हम कर सकते थे कि ये फ्लोरीन को यहाँ लगे रहने देते हैं, एक बॉन्ड कम करना था ना नाइट्रोजन का, तो हम नाइट्रोजन का ना ये वाला बॉन्ड कम कर देते हैं। एक सेकंड स्क्रीन पे, हाँ, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बजाय ना मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, तो नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड्स हो गए ना पूरे, तो उस तरह भी नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड्स हो सकते थे। अब फ्लोरीन लगा हुआ है, अटैच्ड है, लेकिन अभी कोई मसला नहीं है नाइट्रोजन के साथ, लेकिन फिर होता है कि कार्बन के बॉन्ड्स कम हो जाते हैं, क्योंकि अब कार्बन के बॉन्ड्स काउंट करो ना उसके लिए, तो अब तीन बॉन्ड्स हैं कार्बन के, तो उसके चार होने चाहिए, तो कार्बन के साथ फिर एक एक्स्ट्रा, सॉरी, कार्बन के साथ फिर आप एक एक्स्ट्रा कोई भी चीज के साथ एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दो, हाइड्रोजन बीच में ले आते हैं, ठीक है? तो जो मर्जी करो, बस अभी ये सीखना है कि करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? अभी कोई लिमिटेशन नहीं है, जो मर्जी इसके साथ करना है वो करो, बस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए एंड में, जो फाइनल स्ट्रक्चर बने। क्या फ्लोरीन ग्रुप सेवन में वो एक ही बॉन्ड बनाता है तो वो ठीक है, और हाइड्रोजन सारे एक ही बॉन्ड बनाते हैं, तो ये सारे हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना रहे, तो दीज आर ऑल्सो फाइन, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस मॉलिक्यूल नाउ, एंड दिस मॉलिक्यूल, दिस एंटायर मॉलिक्यूल इज नाउ अ करेक्ट, अ कंप्लीटली करेक्ट स्ट्रक्चर। इसमें कोई भी आइटम जो है ना वो अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना रहा, ना अपनी रिक्वायरमेंट से कम बॉन्ड्स बना रहा। इज दिस आइडिया क्लियर सारों को? Yes, sir. चलो अब ये असाइनमेंट है जो कि नेक्स्ट क्लास जो होगी ना इसके बाद उसके एंड में भेज दें, ये मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ विच नीड टू बी सॉल्व, रिमेम्बर ये मैं ग्रुप पे डालूंगा, तो ये उसी टाइम लिमिट है, ठीक है? जो अगली क्लास होगी ना आपकी 12:40 से 1:20, ये उसके अंदर सॉल्व करना है। अच्छा मैंने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किए, ऑक्सीजन फ्लोरीन, अच्छा इसको इसको सही करना है, ये मैंने कंप्लीटली गलत ड्रॉ किया। सर इसको उसी तरह ठीक करना है ना कि लाइक अगर कुछ रिमूव करना है तो हम कर सकते हैं? हाँ हाँ वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी कुछ ऐड भी करना है ना वो कर लो, ठीक ठीक है, लेकिन आपकी मर्जी है, यानी किसी दो लोगों का आंसर ठीक एक नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो फुल फ्रीडम दी हुई है, ठीक है? तो ये बस स्टार्ट कर लो, अभी स्टार्ट कर लो, अभी भी चार मिनट है, आई जस्ट राइट दी, ये मैं बोर्ड भी शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में।
नहीं, मैं वन सेकेंड। ऐसे सारे गलत स्ट्रक्चर हैं, ड्रॉ द करेक्ट वंस। ठीक है, चार होंगे। ठीक है, अच्छा ये सारे आप बेसिक डिस्कनेक्ट कर लो, ये मैं बस ड्रॉ करके इसको उस पर भी डाल दूंगा, मैं उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, मैं डन।